आर्तुक भाई, इस बाजार के लोगों से जो वादा किया था वो क्या था? क्या इस बाजार की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी हमने? बाजार में बाहर का एक आदमी दाखिल हुआ और हमारे मुअज्जिज़ मेहमान को कत्ल कर दिया। कोई हक नहीं हमें कि हम इस बाजार पर हुक्मरानी करें। भाई, जमींदार को इस बाजार में निशाना इसलिए बनाया गया है कि आपकी साख को नुकसान पहुंचाया जाए। साजिश करने वालों ने एक तीर से दो शिकार किए हैं भाई। इस संगीन सूरत हाल से फायदा उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कातिल को ढूंढकर सख्त से सख्त सजा देनी होगी हमें। आप मुझे वही बता रहे हैं जो मैं जानता हूं आर्तुक भाई। उसूलन उस शख्स को दाखिल नहीं होना चाहिए था इस बाजार में। भाई, आप मेरी इस बात से इत्तफाक जरूर करेंगे कि यहां अली बाजार है। हर मजहब, हर रंग और नस्ल के लोग यहां आते हैं। यह खबर रखना मुश्किल है कि कौन किस इरादे से यहां आया है। खबर रखनी चाहिए थी आपको, जिम्मेदारी थी। हम सालों से जंग लड़ रहे हैं। गद्दार, दोस्त, दुश्मन सबकी पहचान होनी चाहिए। दुश्मन को मालूम होना चाहिए कि उसने तलवार भी निकाली अपनी तो उसी तलवार से उसका सर कलम होगा। जरा सी देर नहीं करेंगे। भाई, उस मलून का पीछा किया हमने, लेकिन हम उन लोगों के जाल में फंस गए और हम पर हमला हो गया। शहीद हुए हैं सिपाही, भाई वो फरार हो गया। तुर्गोत, तुर्गोत, इसलिए बने हो सिपासालार कि तुम दुश्मनों के जाल में फंसकर जिन सिपाहियों को तुम्हारी जमानत में दिया वो शहीद हो जाए और तुम वापस आ जाओ। जवाब चाहिए तुर्गोत। माफ कर दे भाई, गलती हो गई। हर जगह तलाश करोगे उसे, उस काफिर को ढूंढकर यहां लाओगे मेरे पास, समझ गए तुम? इस वक्त गुस्से में है क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके इस वाकये की वजह से। जो कुछ भी उन्होंने तुमसे कहा उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानना। भाई ने सही कहा आर्तुक भाई, हम लोग नाकाम हो गए, लेकिन जब तक उन बदबख्तों को ढूंढ नहीं लेता हूं मैं, उस वक्त तक जिंदगी हराम है मुझ पर। इजाजत दे आर्तुक भाई।